आज का कारगिल दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम भारत शक्ति समाचार द्वारा सुल्तान कुरैशी की रिकॉर्डिंग पर पूरा हुआ। नमस्कार, आदाब। कारगिल कहने को एक छोटा सा शब्द है, छोटा सा सेंटेंस है, मगर कारगिल एक ज़िला है। भिवंडी शहर से करीब 2900 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू कश्मीर का वो इलाका एक बार जब 1999 में थर्रा गया और देश में माहौल बदल गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, दरास, टाइगर हिल। श्रीनगर से करीब 260 किलोमीटर की दूरी पर कारगिल वो ज़िला है और भिवंडी शहर से 6 लोग वहाँ एक विजय यात्रा के रूप में गए थे। इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं जाहिद मुख्तार, पंडित कुंभार, इरफान खान और मैं फ़ख्र आलम खान। हमारी इस टीम में एक तेज प्रकाश सैनी जो अब दुनिया में नहीं रहे, वो भी पत्रकार थे, सिद्दीक मोमिन और अयाज अहमद। इस तरह से एक पूरी टीम और निहाल अहमद, ये पूरी टीम गई थी। इस वक्त हम 4 हैं और बड़ी बात यह है कि आज से एक दिन पहले यानी 25 जुलाई को हम सभी भिवंडी शहर वापस आए थे और उसके दूसरे दिन यानी आज का दिन 26 तारीख भारत सरकार ने कारगिल दिवस का ऐलान किया था। और कारगिल दिवस हर साल भारत में मनाया जाता है, मगर वो जो दर्द है, सैनिक जो हमारे वहाँ शहीद हो रहे थे, वो जो दर्द है आज तक हमें याद है। जब हम भिवंडी से निकले थे तो वो बुध का दिन था और 14 जुलाई 1999 का वो वक्त था। इस वक्त मेरे साथ में पंडित कुंभार जी मौजूद हैं, भिवंडी शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा। कुंभार साहब, जब हम लोग कारगिल गए थे तो वहाँ की एक छोटी सी घटना बताइए। भिवंडी से कारगिल हम निकले 14 जुलाई को और पहुँचे रात को 9:15 बजे कारगिल गांव में पहुँचे हम लोग। हम तो यहाँ से निकलने के बाद में 19 तारीख को श्रीनगर पहुँचे और 20 तारीख को 8 बजे कारगिल जाने के लिए हम लोग निकले और कारगिल में हम पहुँचे रात को 9:15 बजे। उसके आगे 3 किलोमीटर पे हम लोग जाके गाड़ी में पेट्रोल भराए और बाद में कारगिल में आए। और कारगिल में आने के बाद में कारगिल का माहौल देखा, कारगिल के लोगों को हम लोग मिले और ब्रिगेडियर को हमने एक आभार प्रदर्शन का एक न्योता दिया और उनको आभार प्रकट किया। उसके बाद में वहाँ पे अलार्म बजे, अलार्म के बाद में हमको वहाँ पे रहना नहीं है, सब संचार बंदी लग जाती है। और उस संचार बंदी से हम लोग निकले फिर वापस श्रीनगर आने को। श्रीनगर आते समय हमारे गाड़ी के आगे अणुबम जा रहा था और करीबन 20 फीट का वो अणुबम हमारे आगे और हम लोग जो हमारी गाड़ी पीछे, वैसे इतना डर था कि हम क्या करें। हमारी गाड़ी को आगे निकालना बहुत ज़रूरी था, बेहतर ये था कि हमारे गाड़ी को चलाने वाला आयाज करके लड़का था, बहुत अच्छा खासा ड्राइवर था, उसको बोला कैसे भी करके इसको आगे ढकेलो, इसके गाड़ी के आगे जाने दो अपनी गाड़ी। उसने बराबर पॉइंट देखा और गाड़ी को सिग्नल दिया, हमारी गाड़ी आगे गई, एक हादसे से हम लोग बच गए। तो दूसरा हादसा आ गया, एक एक हादसे से हम लोग निकल रहे थे। दूसरा हादसा ऐसा हुआ कि डायरेक्ट जो एक नदी का झरना वहाँ से निकल रहा था, वहाँ पे जो नदी वो पाकिस्तान से आई थी और वहाँ से ऐसा स्पॉट था कि हमको हमारी गाड़ी जो है 100 और 120 के स्पीड से भगानी थी।
और रात का समय वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ जल के भस्म हो गई थी। तो हमारे आयाश ड्राइवर ने बहुत ज़ोर से उधर गाड़ी भगाई, फिर वहाँ से हम लोग अपनी जान बचा के निकले। उसके आगे हम लोग गए द्रास के आगे, तो पाकिस्तान से बमबारी चालू हो गई रात को 1:15 बजे। 1:15 बजे अगर बमबारी चालू हो गई तो अपने भारत के जवानों ने भी बमबारी किया पाकिस्तान की तरफ। अब दोनों बमबारी हमने सभी ने अपने आँखों से देखी, बहुत घबराए हुए थे। मगर एक जगह पे हमको बहुत बड़ा पहाड़ मिला, पहाड़ के नीचे हमने गाड़ी को पार्क किया। जब तक ये बमबारी नहीं ख़त्म होती है तब तक इसी पहाड़ के नीचे रहो ताकि अपना बचाव हो जावे। हम लोग जो अनुभव किया ये बहुत गहरा अनुभव, बहुत चित्त थरारक अनुभव, जिसमें से हम लोग निकले और भिवंडी में वापस आए। आज का कारगिल दिन है, गवर्नमेंट ने ये कारगिल दिन इसीलिए मनाया कि उनको याद किया जाए, उन सब शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में पंडरीनाथ कुमार जी। बात कारगिल की करें तो आज कारगिल दिवस है, हमारी पूरी टीम की तरफ से, भिवंडी शहर की तरफ से उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। अगर वहाँ की बात करें तो एक तरफ जहलम नदी जो पाकिस्तान के लिए जाती है और दूसरी तरफ टाइगर हिल दरास और वो कारगिल गांव, वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का वो बॉर्डर आज भी याद है। इस वक्त मेरे साथ में इरफान खान साहब मौजूद हैं, इसी टीम से हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने थोड़े में थोड़ी बातें बताएं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कारगिल में के लिए जब हम लोगों ने सुना कि हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान पर हमला करके विजय प्राप्त किया है तो हम लोग खुशी के मारे एक पत्रकार ग्रुप लेकर, जिसमें पंडरी साहब, आलम साहब और जाहिद मुख्तार साहब, सिद्दीक साहब, ये सब हम लोग हमारे साथ एक सैनी साहब थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, हम लोग विजय यात्रा लेके गए और हम लोगों ने देखा कि हमारे जवानों ने जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तान पे हमला करके विजय किया था, आज भी हमको फ़ख्र है। और उससे ज़्यादा खुशी आज तक हमको नहीं हुई जिस वक़्त सुना था कि पाकिस्तान पे हमारे भाइयों ने हमला करके उनसे विजय किया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आइए आगे बढ़ते हैं। और ख़ास बात यह है कि आज की ये पूरी रिकॉर्डिंग भिवंडी शहर के जाने माने पत्रकार सुल्तान कुरैशी कर रहे हैं, साथ ही मौलाना असद कासमी साहब यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास बात यह है कि इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं, पीछे बहुत से नाम हैं भारत की आज़ादी में इन लोगों का जेल जाना या इन्हें जेल की सज़ा हुई, वो सारी बातें शामिल है भिवंडी शहर में। इसी चौक से हम लोग 14 जुलाई 1999 में यहाँ से निकले थे गुजरात होते हुए कश्मीर के लिए। और अब मेरे साथ में इसी टीम के जाबाज सिपाही जाहिद मुख्तार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो मैं अपने साथियों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम को अरेंजमेंट किया और एक यादगार जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए बनाई है कि कारगिल दिवस के नाम पर, तो एक यादगार होना चाहिए। क्योंकि जब 1999 में जब पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को धोखे से हमला करके शहीद किया, तो उस वक्त टाइगर हिल एक बहुत उचित चोटी है जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वहाँ पे हमारे जवान जो कंटिन्यू जो है वहाँ पे ऊपर डट के वहाँ जो मुकाबला किए और पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। तो मैं एक अनुभव आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग सिविलियन जब वहाँ गुजरे, जब वहाँ पर तो वहाँ के जो आर्मी के जवान थे हमको देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने हमारा बहुत यानी इस्तकबाल भी किया। और जब हम लोग रात में बहुत थक गए थे कारगिल जाते टाइम, तो हमारे को खाने के लिए नहीं मिला था, वहाँ पे कुछ जवान हमारे महाराष्ट्र के भी थे, उन्होंने हमको बिस्किट दिया और आप बोले आप इतनी रात को यहाँ से मत निकलो ताकि यहाँ से अगर रात को आप निकलते हो हर पॉइंट पर आपको आर्मी के लोग रोकेंगे जिससे आपको तकलीफ हो सकती है, तो आप रात भर इस चौकी पर रुक जाओ। तो हम लोग रात भर वहाँ चौकी पर आराम किए, रुके और एक अनुभव ऐसा लगा कि हमारे जवान किस तरह काम कर रहे हैं और मौत और ज़िंदगी का जो फासला होता है वो बहुत ही करीबी होता है वहाँ पे। मैंने अपनी आँख से देखा हमारी टीम के लोगों को कि एक जो है
जवानों का एक लॉरी भर के जा रही थी, जो थी ना उनकी, तो वो लॉरी जो है हम लोग से आगे जा रही थी और वो पलटी हो गई। पलटी तो एक तार जो होता है, वो जो टेलीफोन का तार होता है उसके ऊपर जाके रुक गई। और जब मैं देखा कि जवान फटाफट नीचे उतरे और फटक से ज़मीन पे सजदे में गिर गए, यानी शुक्र अदा करने लगे अल्लाह का, ऊपर वाले का, कि हमारी जान बच गई। मैंने वो रोड देखा है, बहुत पतला रोड होता है और वहाँ पे जो है टैंक तो जी नहीं जा पाती, लेकिन बोफर्स जो टोप थी वो उसने काम किया। उसके गोले जब दागे जाते थे तो पाकिस्तान में आके गिरते थे। पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान की फौजें हैं, उसके छक्के छुड़ाने में बोफर्स टोप का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, हम लोगों ने अपने आँख से देखा है। तो मैं आज बहुत अजीब लग रहा है मुझे, इतना ऐसा होता है कि हम लोग जो है वहाँ से क्यों आए, हम भी अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते, हमारा भी कहीं एक नाम यहाँ पे लग जाता, उन शहीदों के साथ हमारा भी एक नाम रहता, और हम उन जवानों को हम भूल भी नहीं सकते जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। और हम तो आज जो है यहाँ पर आराम से घूम रहे हैं, जब वो सीमा पर जब जाते हैं तो वहाँ पर बर्फ़ में और रेत में जिस जगह वो 24 घंटा अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं हमारे लिए, हम उनको सलाम करते हैं और साथ ही साथ उनके लिए हम जो है एक अपने दिल में एक वो जगह बना ली है उन लोगों ने कि हम आराम से सोते हैं, वो काम करते हैं। इसके साथ मैं अपने अल्फाज ख़त्म कर, जय हिंद। दोस्तों सफ़र तो लंबा था, पूरा देश हैरान था, देश के लोगों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से एक वहाँ नारा लगता था, भारत के वीरों, कारगिल के शेरों, भारत की 130 करोड़ जनता तुम्हारे साथ है। नारा लगाना आसान है मगर सीमा पर दुश्मन से लड़ना ऐसी जगह पर जहाँ का तापमान ज़ीरो हो वो ख़तरनाक है। बहरहाल जो अनुभव था वो ख़तरनाक था। इस वक्त हमारे साथ में सिद्दीक मोमिन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। अभी हमारे जो साथी थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंडरीनाथ कुमार साहब, फखरे आलम साहब, इरफान भाई और हमारे जाहिद भाई, इन्होंने पूरी दास्तान आपको बताई कि हम जो कारगिल में गए थे वहाँ पे हमारे साथ साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या देखने को मिला। और वही अनुभव ये कि आज हम 1999 के बाद और बहुत दिन के बाद हम एक साथ फिर बैठे हैं ये शहीद दिवस पे, और हम बहुत खुशनसीब समझते अपने आप को, और इसको बदनसीबी भी कहूँगा, खुशनसीबी के साथ साथ खुशनसीबी इसके लिए कि हम लोग हयात है, आज लोग आपके सामने हम लोग बैठे हैं। लेकिन मैं उन भारत के नौजवानों को, सैनिकों को, मैं दिल से इसको श्रद्धांजलि बोलो या अफसोस बोलो, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आज उन वो देश की रक्षा कर रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर पर, वो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जब तक हम उनके पास जाएंगे नहीं तो हमको उसका अनुभव नहीं होगा, वो अनुभव हमने लिया है सबने मिल के, हमको अनुभव हुआ। और मैं उनको तहे दिल से सलाम करूंगा कि आज उन वो हमारी हिफाज़त कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से वो हमारी हिफाज़त कर रहे हैं और हम लोग शहर में, हमारे देश में सुरक्षित है। और मैं हमारे महाराष्ट्र पुलिस को भी सलाम करूंगा और हमारे जो NDRF की जो टीम है, जो अभी चिपलून में और रत्नागिरी में और जगह बाढ़ आई है, वो लोग हमारे लोगों की हिफाज़त कर रहे हैं। मैं हमारे देश के हर एक पुलिस फोर्स, सैनिक और जो स्थानीय ये हमारे मीडिया पत्रकार जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं और इतने लंबे सफ़र पे भी जाते हैं, कारगिल भी गए थे, अब ना जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तो मैं चंद अल्फाज अपने ख़त्म करता हूँ, इन सब को मैं अपनी तरफ से सलाम करता हूँ, झुक के सलाम करता हूँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये सफ़र महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए सफ़र हमारा जारी था। लाखनपुर बॉर्डर जब पहुँचे तो कश्मीर की सीमा शुरू हुई और उसके बाद हमारा ये सफ़र कारगिल जाकर ख़त्म हुआ, और कारगिल से वापस 25 जुलाई को भिवंडी शहर हम सभी वापस पहुँचे। आज हमारे बीच हमारी टीम का एक जवान तेज प्रकाश सैनी, जो हमारे अच्छे दोस्तों में से थे और पत्रकार भी थे, आज वो हमारे बीच नहीं है। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। और आज का कारगिल दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम भारत शक्ति समाचार द्वारा सुल्तान कुरैशी की रिकॉर्डिंग पर पूरा हुआ। मैं सुल्तान कुरैशी को भी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी पूरी टीम को भी, मौलाना असद कासमी साहब यहां मौजूद हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, भारत शक्ति समाचार।